कुछ दिनों की राहत के बाद दिल्ली वासी एक बार फिर से जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। दिल्ली की एयर क्वालिटी अब बहुत खराब कैटेगरी में पहुंच गई है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉडरेट से पुअर के बाद वेरी पुअर में पहुंच चुका है। आपको बता दें कि दिल्ली में अब भी निर्माण और तोड़फोड़ कार्य बंद हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरी सहयोगी ईला इस वक्त मेरे साथ दिल्ली से जुड़ चुकी हैं। ईला, तो हम अभी भी देख सकते हैं कि यानी दिल्ली में वायु की गुणवत्ता है वो बेहद खराब श्रेणी में है, वेरी पुअर कैटेगरी है। कौन से क्षेत्र हैं जो ज्यादा प्रभावित हैं अभी इस वक्त? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, आज एक बार फिर से जो हवा की गुणवत्ता है वो बेहद ख़राब हो चुकी है। और अगर मैं आपको ओवरऑल दिल्ली का AQI दिखाऊं, तो इस समय जो सफ़र वेबसाइट है उसके मुताबिक जो AQI है वो 320 यानी कि बेहद ख़राब श्रेणी में पहुंच चुका है। और जो मेजर पोल्यूटेंट है वो PM2.5 है। और यहाँ तक कि कल के लिए भी देखिए, वेरी पुअर यानी कि बहुत ही ख़राब हवा की गुणवत्ता बनी रहने की आशंका सफ़र वेबसाइट ने जताई है। और अगर अलग अलग इलाकों की बात करें तो इस वक्त आनंद विहार में जो AQI है वो 358 है, वहीं बवाना में भी AQI 300 के पार है, मुनका में भी, और ऐसे कई ऐसे इलाके हैं जहां पे बेहद ख़राब श्रेणी में आ चुका है हवा की गुणवत्ता का। और इसका प्रभाव क्या हो रहा है? इसका प्रभाव ये हो रहा है कि आम जनजीवन अस्त व्यस्त ज़रूर हो गया है। हमने देखा पिछले कुछ दिनों में राहत मिली थी बीच में, तो यहाँ तक कि हमारी जो हवा की गुणवत्ता थी वो मॉडरेट तक पहुँच गई थी, लेकिन एक बार फिर से ये बेहद ख़राब की श्रेणी में रुख कर चुकी है। तो ये एक चिंता की विषय है, चिंता की बात है, क्योंकि हम देखें तो तमाम कोशिशें की गई हैं और तमाम दावे भी किए गए हैं और तमाम वादे भी किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है राजधानी दिल्ली वालों को। क्योंकि लगातार मैं दिल्ली वालों से बात करती हुई नजर आती हूँ और लगातार उनका एक ही जवाब होता है, कई ऐसे तो लोग हैं जो दिल्ली छोड़ कर के कहीं और जाकर के बसने का ही प्लान बना रहे हैं। कुछ लोग पहले से ही चले गए हैं, कोई पहाड़ों पे चला गया है, कोई दूसरे और राज्यों में चला गया है, क्योंकि दिल्ली बेहद प्रदूषित हो गई है। लेकिन उनका क्या, जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते बाहर जाना और रहना, उनको दिल्ली में ही रहना है, यही जहरीली हवा में उनको सांस लेना है। और साथ ही साथ कई सारी बीमारियां हो रही है, छोटे छोटे बच्चों को बीमारियां हो रही हैं, आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और यहाँ तक कि डॉक्टरों का भी कहना है कि OPD में भी मरीज बढ़ चुके हैं। जी बिल्कुल, तो लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। हालांकि कुछ दिनों के लिए राहत जरूर मिली थी ला, लेकिन अभी भी अगर हम आज का आंकड़ा देखें, AQI लेवल जो है वो 350 लगभग सभी क्षेत्रों में है दिल्ली में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।